नमस्कार सभी भाइयों को। आज बनाएंगे टोयोटा इनोवा 2011 मॉडल की फ्लिप की। पहले की कॉपी करेंगे और फिर रिमोट प्रोग्राम करेंगे इसका। आप देख रहे हो सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रही है, चाबी सही है आपकी। अब दूसरी चाबी लगा के दिखाएंगे। पहले हम इसका कॉपी की करते हैं, देखते हैं अपने ये मिनी वीवीडीआई के अंदर चाबी डाल ली है और फिर इसका एक्सोर्स ऐप खोलेंगे। क्लोन ट्रांसपोंडर रीड करेंगे आईडी। और ये आ गई है, अब क्लोन करेंगे। सबसे नीचे जो क्लोन है और जब मिनी वीवीडीआई में चाबी लगा के रखनी है ओरिजिनल। अब बोल रहा है कि अपनी सुपर चिप लगाओ। सुपर चिप लगाएंगे हम इसमें। सुपर चिप लगा ली हमने मिनी वीवीडीआई में और ओरिजिनल चाबी निकाल ली थी। और ये वेटिंग दिखा रहा है, अभी कंप्लीट होएगा। एक या दो मिनट का टाइम लगेगा मुश्किल से। एक कॉपी सक्सेसफुल हो गई है कंप्लीट। ओके, बैक कर देंगे। ये हमने सुपर चिप लगाई थी। और अब देख लो ये गाड़ी, ये फ्लिप की, इसमें हमारी सिक्योरिटी लाइट रुकी हुई है। सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रही है। अब करेंगे इसका रिमोट प्रोग्राम। ये हमने वायर वाला रिमोट लगा दिया है। और ये इनोवा में जाएंगे पहले हम। सेकंड नंबर पे जो टोयोटा और रिमोट आ रहा है इस पे हम करेंगे। ये जनरेट हो रहा है रिमोट। अब इसकी ये मैचिंग है जिस पे नंबर लिखे हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसमें जो इसकी मैचिंग की मेथड है वो है, पहले स्विच में चाबी लगानी है दो बारी। ये एक्सोर्स का रिमोट जो हमने जनरेट किया था, पहले
इसको दो बारी अंदर डालेंगे और फिर दो बारी डोर स्विच दबाएंगे, फिर एक बार डालेंगे चाबी, फिर दो बार डालेंगे, फिर एक बार चाबी डालेंगे और डोर स्विच दाब के रखेंगे, चाबी ऑन करेंगे और फिर चाबी ऑफ करके निकालेंगे, गन बैक मारेगी तभी हमने लॉक अनलॉक के बटन एक साथ दाबनी है। अब लॉक अनलॉक रिमोट हमारा मैच हो चुका है। रिमोट सक्सेसफुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो आगे।